आप लोग करें, दवा का वितरण निरंतर चलता रहे, सर्दी जुकाम बुखार है तो टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इंतजार मत करो, पहले ही दवाई का किट दे दो ताकि वो खाना शुरू कर दे तो संक्रमण फेफड़ों में ना घुस पाए, उसकी चिंता करो। इलाज के लिए मैं कह रहा हूं सारे जिला प्रशासन से, सांसद साथियों से, विधायक साथियों से, मंत्रीगणों से, हमको तीसरी लहर की तैयारी करनी है। वो छोटी आए बड़ी आए, ये वायरस जब तक है लहरें आती रहेंगी, इसलिए थर्ड वेव की तैयारी अभी से करनी है। आपने कई सुझाव दिए कि आईसीयू बेड बढ़ाएं, दूसरे बेड बढ़ाएं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा करने में। अब हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जी जान से ध्यान देंगे, तीसरी लहर की तैयारी हम अभी से करेंगे। और दूसरी बात आपने कही है कि स्टाफ की कमी है, कल ही हमने 1015 सिस्टर्स की भर्ती करी है, 2000 की और हम करने वाले, 800 डॉक्टर्स की करने वाले। आपको मैंने छूट दी है कि यथासंभव अपने अपने जिले में जितना पैरामेडिकल स्टाफ उसकी भर्ती करो करो, पैसे की चिंता मत करो, हम इंतजाम और व्यवस्थाएं करेंगे। जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आने हैं उनमें सिटी स्कैन में थोड़ी देर लग रही है क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है, वो दूसरी कंपनियों की आएंगी, हम पीछे पड़े हैं, लेकिन सिटी स्कैन में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन सिटी स्कैन सहित जितनी आवश्यक चीजें हैं उनको हम ऑर्डर कर रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टाफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने अपने जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तय करे कि कितने बेड वो बढ़ा सकता है, मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, यहां तक कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कितने बेड वो बढ़ा सकते हैं इसकी प्लानिंग करे, ऊपर से संसाधन की व्यवस्था हम करेंगे ताकि हम भविष्य में परेशानी का सामना ना करें। और एक बात है ब्लैक फंगस के बारे में, ब्लैक फंगस के पेशेंट्स आज मध्य प्रदेश में 573 के आसपास हैं, मेरे पास हर जिले का हिसाब है, थोड़े और बढ़ सकते हैं। अब ये कल्पना नहीं थी कि एंटी फंगल इतने इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, मैं लगातार संपर्क में हूं, जितने इंजेक्शन मिल पाए, चाहे वो सन फार्मा के दिलीप सांघवी उनसे बात करके, फिर भारत सरकार ने अब तय कर लिया है कि वो वहीं से कोटा आवंटित करेंगे, आज या कल इंपोर्ट होकर इंजेक्शन आ रहे हैं, वो जैसे ही आते हैं हम उनको जिलों में भिजवाते हैं और उनका न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कराएंगे। मैं लगातार संपर्क में हूं, लगातार बातचीत कर रहा हूं, तो उसका इंतजाम भी करेंगे। आप सब पोस्ट के कोविड केयर सेंटर अपने अपने जिले में एक बनाना है और वहां ब्लैक फंगस के साथ साथ बाकी जो मैंने बताया हार्ट से संबंधित ब्लड के थक्के जमना, उसका सारे कलेक्टर्स को मैं निर्देश दे रहा हूं और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से, क्योंकि बहुत समझदार लोग हैं आप सब जो काम कर रहे हैं विधायक सांसद साथी, उनको भी कह रहा हूं कि जो लौट के जा रहे हैं घर पे, एक जिले ने ये किया, एक दो जिलों ने ये किया, उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए ये भी बताएं और उनको ये कहें कि जरा सी दिक्कत है तो ये पोस्ट कोविड केयर सेंटर पे आ जाएं, उनकी नेजल इंडोस्कोपी अगर हमने टाइम पे करवा दी तो ब्लैक फंगस का तुरंत पता चल जाएगा। और नाक में ही जैसे कोरोना हम गले में दवा देते हैं, दवाई देके हार्ट उसमें लंग्स में नहीं जाता, वैसे नाक में ही खत्म कर दें, ये आंखों में ना जा पाए और ये ब्रेन में ना जा पाए, ये इंतजाम हमको करना पड़ेगा। तो ब्लैक फंगस के लक्षण अगर है तो तत्काल पोस्ट कोविड केयर सेंटर में, और एक सेंटर हम ऐसा बना ही रहे एक जिले में जो मैंने निर्देश दिए हैं, जहां तत्काल हम ब्लैक फंगस पहचान के उसके इलाज की व्यवस्था हम लोग कर पाए। बाकी दवाइयों की कहीं कोई कमी नहीं है, इतना मैं एक बार फिर कहूंगा कि कालाबाजारी अगर कोई करे तो जिला प्रशासन को छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर, ऐसा करने वाले नरपिशाच है जो संकट के समय में कालाबाजारी करके नकली इंजेक्शन लगा दे, नकली दवाई दे दे या ज्यादा पैसे में दवाई बेचे, वैसे लोगों को मेरा निर्देश है सीधे एनएसए में जेल भेज दो, ऐसे बेईमानों को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, ये मेरा निर्देश है, इसका पालन सुनिश्चित होना चाहिए, कहीं नहीं हुआ तो मैं गंभीरता से ले लूंगा, ये मैं सीधे सीधे आपको निर्देश दे रहा हूं। इसके अलावा
तीन चार चीजें और जो मैं आज कहना चाहता हूं। नंबर एक, राशन का वितरण पर्याप्त मात्रा में हमने सुनिश्चित किया है। ये ढंग से राशन का वितरण हो जाए, ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी ध्यान दें। कोरोना के साथ और भी गम है जमाने में, बाकी लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं कि जिनका जनता कर्फ्यू के कारण जीवन यापन में हमको सहयोग करना पड़ेगा, तो ये राशन ढंग से पहुंच जाए, ये आपकी जवाबदारी है। अभी हमने शहरी स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा डाला था, परसों मैं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा डाल रहा हूँ, नर्सों में डालूंगा, भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूरों के खाते में पैसा उसके एक दिन में डालू बाद डालूंगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में पैसा। ये इसलिए कि इन गरीबों की जिंदगी भी कोरोना काल में चलती रहे, तो उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना है। और मैंने बीच में ही कहा है, जैसा मंदसौर ने अच्छा प्रयोग किया कि बच्चों की पहचान के लिए मुझे उज्जैन में भी बताया कि उनने भी पहचान लिए जिनके अभिभावक नहीं है, माता पिता या अभिभावक ऐसे बच्चे, तो उनको हमको पूरा सहयोग करना है। और मैं तो इसी हफ्ते उनके खाते में पेंशन की राशि का जितने नाम मिल जाएंगे प्रारंभ करना चाहता हूं। वैसे कर्मचारी साथी जिनका कर्तव्य का निर्वाह करते हुए स्वर्गवास हो गया, उनके लिए भी हमने अनुकंपा नियुक्ति की योजना भी बनाई है और अनुग्रह राशि की योजना भी बनाई है, तो उनकी भी सूची अगर जल्दी प्राप्त हो जाएगी तो उनको हम जल्दी उनके परिवार को राहत दे पाएंगे। मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान को ढंग से हमको चलाते रहना है, क्योंकि समाज के सहयोग से ही हम कोरोना को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं, और कोई दूसरा हमारे पास रास्ता या माध्यम नहीं है। आरएमपी डॉक्टर्स के बारे में एक अच्छा प्रयोग हुआ है, जैसा मंदसौर ने बताया, उस प्रयोग के बारे में भी मैं सोचूंगा। जो अपेक्षाएं आपने व्यक्त की है अलग अलग सुविधाओं की, उनको भी पूरा करने का हर हालत में मैं प्रयास करता रहूंगा। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि अभी आप ये मत मान लेना कि कोरोना चला गया। मैं फिर कह रहा हूं, ये बीमारी रहेगी, इस बीमारी से सजग होकर ही हम लड़ सकते हैं, क्योंकि इतना भयानक दर्द हमने सहा है, इतना भयानक दर्द सहा है कि अब फिर अपने प्रदेश को हम उस स्थिति में नहीं पहुंचने देंगे। उपार्जन का काम लगातार हमने चलाया है, मैं समझता हूं लगभग पूरा हो गया होगा, कोई किसान शेष नहीं बचा होगा, तो वो काम भी उपार्जन का हमारे प्रदेश में बेहतर हुआ है। लेकिन और किसी भी आम आदमी को दिक्कत ना हो उसकी आप लगातार चिंता करते रहे। वैक्सीन के मामले में उत्पादन की सीमा है, हर एक ने मुझे बताया कब उत्साह है वैक्सीन के लिए, तो सारे कलेक्टर्स ये ध्यान दे कि वैक्सीन का एक भी डोज बेकार नहीं जाना चाहिए। 10 की और 20 की बाउल, उसमें अगर 95% लोग आते, 10 की बजाय 8 आए, तो आप पहले से वेटिंग में एक सूची रखो और उनको बुला के रखो, भैया अगर वो नहीं आए तो आपको लगेगी, नहीं तो आपको दूसरे दिन लगेगी, ताकि हमारा एक भी डोज बेकार ना जा पाए। ये सुरक्षा चक्र है हमारा, इसको जैसे जैसे डोजेज मिल जाएंगे, मैं लगातार संपर्क में हूं भारत सरकार के, वैसे इसको बढ़ाते जाएंगे और इसको फिर हम पूरा करके अपनी जनता की जिंदगी को सुरक्षित करने का काम करेंगे। आप सबने जो अद्भुत सहयोग किया है उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे मन में आपकी तरह ही एक ही ललक, एक ही तड़फ, एक ही जुनून है कि कैसे भी कोरोना के संक्रमण से अपनी जनता को सुरक्षित निकाल ले जाना, पीड़ितों की मदद करना और जो संक्रमित है उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था करना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से व्यवस्थाएं करते हुए इस ऐतिहासिक संकट से, जो शताब्दी का सबसे बड़ा संकट है, हम अपनी जनता को निकाल के ले जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना निश्चित तौर पर हारेगा और हमारी जनता जीतेगी। हर जिले ने अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ प्रयोग किया है, एक जिले के प्रयोग को जो अच्छा है दूसरा जिला अपनाए, ताकि एक जिले ने कुछ अच्छा किया है दूसरा उससे सबक ले, सीखे। और मैं फिर कह रहा हूं, कुंजी है जनता का सहयोग, और इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पंचायत के, ब्लॉक के और जिले के, इनको सक्रिय ही रहना है लगातार, और इन्हीं के माध्यम से हम शासन की योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंचाएंगे। नीमच चूंकि बीच में
कट गया था, इसलिए नीमच की समीक्षा नहीं हो पाई। अब हम नीमच के साथ चर्चा करेंगे। बाकी जिले नीमच के अतिरिक्त अगर जाना चाहे, लेकिन एक फैसला 31 मई का तो सबको स्वीकार है ना, 31 मई तक पूरी कड़ाई से बंद, सबको स्वीकार है ना, 31 मई तक पूरी कड़ाई से बंद, बिल्कुल। 1 जून से फिर हम धीरे धीरे ओपन करना प्रारंभ करेंगे। तो यह सामूहिक रूप से उज्जैन संभाग का फैसला है, सारे जिले इसमें कवर होते हैं, और तब तक जी जान लगा के इसको हम सारे उपाय करके रोकेंगे। बाद में फिर वैज्ञानिक तरीके से कैसे धीरे धीरे खोलना है, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब मित्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से कोरोना को हम हराएंगे। और मध्य प्रदेश मॉडल, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने भी प्रशंसा की है, जो सामाजिक चेतना हमने साथ जोड़ी है, और जो जनभागीदारी की है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की, उसके माध्यम से हम कोरोना को पराजित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी मित्र जा सकते हैं, नीमच वाले जरूर रुकेंगे ताकि मैं उनसे बात कर लूं, लेकिन आप जाओ, उसके पहले सांसद सुधीर गुप्ता जी का आज जन्मदिन है, तो मैं उनको हृदय से जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, सभी की ओर से देता हूं, वो यशस्वी हो और जनता की सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नीमच रुकेगा, बाकी मित्र जा सकते हैं। नीमच का लगाओ भाई।